आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों और नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं नेताओं की अदला बदली शुरू हो गई है। जो नेताओं को टिकट पाने की जुगत जुगाड़ का आसान रास्ता नजर आता है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। इसका एक उदाहरण बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बता दें, पिछले महीने कटंगी विधानसभा से बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत का नाम उछाला था, किंतु कुछ समय बाद बोध सिंह भगत को ये एहसास हुआ कि उनको कटंगी विधानसभा से टिकट नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया और बताया, आगामी 20 सितंबर को भोपाल में आयोजित कांग्रेस पार्टी की बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में बिना शर्त के कांग्रेस की सदस्यता लूंगा। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि बोध सिंह भगत कटंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने पार्टी को चेताया कि यदि बोध सिंह भाऊ को टिकट दी जाती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पार्टी ने जिले की सभी विधानसभा सीटों का सर्वे कराया था, जिस सर्वे रिपोर्ट में कटंगी विधानसभा से बोध सिंह भाऊ का नाम नहीं था। इस पार्टी में हम प्रवेश ले रहे हैं और 20 तारीख को भोपाल में 11 बजे माननीय प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनके समक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है, उस दिन 11 बजे हम प्रदेश ले रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश वार्ता हमने बुलाई है। कांग्रेस की रीति नीतियों पे हमें विश्वास है और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व में भरोसा करते हुए मैं कांग्रेस में प्रवेश ले रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपेगी उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। पार्टी का निर्णय हमें स्वीकार होगा। कोई शर्त लेकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? नहीं, कोई शर्त नहीं। एक चर्चा चल रही है कि आप चाहते हैं कि कटंगी टिकट मिलेगी तभी कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है किसको टिकट देना नहीं देना, कोई हमारी शर्त नहीं है। अभी तक की जो है आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखा जा रहा था और अचानक से यह मोड़, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? वो तो ऐसा है, क्या सोच के हमारा नाम वो चला रहे थे तो वही बताएंगे। वो तो पहले भी कांग्रेस में प्रवेश लेने के लिए मेरी भोपाल की तैयारी हो गई थी और परिहार कारणों के उस समय प्रवेश शुरू किया था। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का लगा कि कांग्रेस में जा रहे हैं, हमारे नाम को विचार करने लगते। मैं महेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किरोड़ी पटंगी विधानसभा 113 से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता रखी है। आज प्रेस वार्ता ऐसा था कि जैसे जनचर्चाओं में सुना जा रहा है कि बोध सिंह जी भगत को कांग्रेस ज्वाइन करवाया जा रहा है और कटंगी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। उस संबंध में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, इनसे चर्चा, इनके माध्यम से हमको प्रेस वार्ता करनी पड़ी। इन्होंने कहा कि भैया कुछ करिए, बैठक करिए, इसलिए आज प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में ये हुआ कि बाहर का व्यक्ति नहीं चलेगा और हमारे प्रदेश के लाडले प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने 4 तारीख को पूरे प्रदेश के ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक भोपाल में आहूत की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि भैया सर्वे, जो सर्वे किया गया है उसी के आधार पर टिकट देंगे और लोकल के संगठन से राय सुनवाई की जाएगी।
हमसे अभी तक कोई राय शुमारी नहीं की गई है, और जो सर्वे हुआ था उस समय में गो सिंह भाऊ कांग्रेस में नहीं थे, गो सिंह भाऊ बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे कांग्रेस के सर्वे में उनका नाम नहीं होगा। हो सकता है कि कमलनाथ जी के पास उनका नाम सर्वे में कहीं से हो, लेकिन मैं अपने विवेक से जो बता रहा हूँ कि उस टाइम पे सर्वे जब चल रहा था तब गो सिंह जी हमारे कांग्रेस में नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रयास में थे, उधर से नहीं हुआ होगा। तो फिर शायद इधर जैसे अभी उधर कांग्रेस में आए वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, वर्तमान विधानसभा आने वाले विधानसभा में तो प्रत्याशी के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोकल के लोगों ने काम किया है, मेहनत किया है, उन्हीं लोगों को टिकट दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।